तो गाइज अगर तुम्हारे भी स्प्रेस वगैरह ठीक है, तुम क्लोज रेंज में अच्छे खासे बंदे मार लेते हो, लेकिन तुम्हारा गेम सेंस अगर बेकार है तो ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे होने वाली है कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे तुम्हारा जो गेम सेंस है वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तुम्हें पता चल जाएगा कि कब तुम्हें क्या करना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर वन, तो अब पहली जो टिप है वो रहने वाली है कैंपर्स के लिए। तो गाइस तुम भी कभी अगर किसी घर में होल्ड करते हो, लाइक तुम कैंप कर रहे हो, तुम अकेले बंदे बच्चे हो, किसी घर में बैठे हुए हो, तो गाइस आज से ये गलती कभी मत करना। यहाँ पे मिनी मैप देखो, जैसे हम यहाँ से निकलते हैं हमें पता चल जाता है कि एक बंदा अंदर बैठा हुआ है, जबकि उसने कुछ भी फुटप्रिंट नहीं दिया हमें, ना तो वो हिला, मुझे उसकी साउंड नहीं आई, लेकिन फिर भी मुझे मिनी मैप में पता चल गया हमारे जस्ट साइड वाले घर में एक बंदा बैठा हुआ है। और गेस व्हाट, हम जाते ऊपर यहाँ पे एक बंदा मिल भी जाता है। अब गाइस पहले क्या होता था ना कि अगर तुम फुटप्रिंट दे देते हो, लाइक तुम हिल जाते हो, तब तो तुम्हारी साउंड आ जाती थी, देन तुम्हारा मार्क भी आ जाता था मैप में। लेकिन अगर तुम एकदम चुपचाप बैठे हो ना, तो मिनी मैप में पता तक नहीं चलता था कि तुम बैठे हुए हो वहाँ पे। तो आज के बाद है ना ये गलती मत करना कि कहीं पे भी तुम ज्यादा होल्ड करके बैठ जाओ, क्योंकि बंदों को पता चल जाएगा। टिप नंबर टू, गाइस जब से 3.1 का अपडेट आया है तुम सभी लोग चटाइयों में घूम रहे होंगे, बेडशीट्स लेके उड़ रहे होंगे इधर से उधर। लेकिन गाइस एक चीज मैं बता दूं कि अगर तुम इनको लेके रश कर रहे हो तो कभी भी भाई एनिमी के ऊपर लैंड मत करना। अब इन बंदों की भी यही गलती थी यहाँ पे, तो देखो दो रीजन इसके पीछे। सबसे पहला, क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम लैंड करोगे और एनिमी को पहले से पता चल जाएगा, लाइक तुम्हें पहले पता चल जाएगा तुम्हारा एनिमी लैंड कर रहा है, तो तुम उसे इजीली मार पाओगे। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि आजकल है ना जो पैराशूट है ना उनका भी अच्छा खासा साउंड हो गया है, तुम्हें पता चल गया होगा अगर तुमने खेला होगा। अगर एनिमी के ऊपर लैंड करोगे तो उसे वैसे ही पता चल जाएगा। प्लस ये जो कारपेट है ना, ये अगर तुम ऊपर रखते हो, लाइक इसमें दो मोड़ होते हैं, एक नीचे उड़ती है एक ऊपर उड़ती है, तो ऊपर वाली साइड रखते हो, तब तो गाइस ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि वहां पे तुम्हारा पैराशूट खुलेगा, फिर तुम बंदे को दिखोगे और वो तुम्हें इजीली मार देगा। तो अगर तुम्हें जंप करना ही है ना, रश कर रहे हो अगर तुम कारपेट से, तो ट्राई करो कि नीचे जाके पहले रश करो तुम, एंड वहां पे तुम्हें उतरने में ना आसानी होगी, पैराशूट तुम्हारा नहीं खुलेगा, एंड तुम मस्त फाइट ले पाओगे। टिप नंबर थ्री, तो गाइस देखो चटाई की बात अगर कर ही रहे, बेडशीट की बात कर रहे, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी जो बेडशीट है, हमारी जो कारपेट है, वो ऊपर रह जाती है। अब ऐसे में तुम्हें अगर वापस इसे इक्विप करना है तो क्या करना है, क्योंकि गेट इन का ऑप्शन अब आने वाला नहीं है क्योंकि बहुत ऊपर है। तो यहाँ पे जंप करके भी मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता गेट इन का ऑप्शन आ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है भाई अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वेट, तुम देख रहे हो म्यूटू की वीडियो, तुम्हें यहाँ पे स्कोप इन करना है, एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो ब्रिंक का ऑप्शन आ चुका है, एंड तुम उसे दबाओगे तो तुम्हारी चटाई, तुम्हारी जो कारपेट है फ्लाइंग कारपेट, वो वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। तो एक और बार तुम एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे फिर से ऊपर अटक चुकी है, तो यहाँ पे मैं ब्रिंग वाला बटन दबाता हूँ, कभी कभी काम नहीं करता है, दोबारा करना, एंड यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो कारपेट है वो मेरे बैग में आ गई। टिप नंबर फोर, तो गाइस अभी यहाँ पे हॉट ड्रॉप पे अगर तुम आते हो, एंड ये जो बोट वाली जगह है ना, यहाँ पे मस्त एंगल मिलते हैं, और यहाँ से मैं तो बहुत बार पिटा हूँ, लेकिन मेरी जो टीममेट ने चीज़ करी ना, वो तुम भी ट्राई कर सकते हो। वैसे मैंने ट्राई करी थी, लेकिन मुझसे भाई ये जो पोर्टल है ना, ये अच्छे से बनता नहीं है, क्योंकि मेरी हाई सेंसिटिविटी है तो मुझे बनाना नहीं आता इतने अच्छे से। बट हाँ, तुम ये ट्राई कर सकते हो, एंड देख सकते हो यहाँ से क्या एंगल मिल रहा है, मतलब सारे बंदों के छक्के तुम छुड़ा पाओगे। लेकिन याद रखना गाइस, अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो तो तुम्हारे पास एक और पोर्टल वाला चीज़ होना चाहिए, वरना तुम वहाँ से अगर कूदोगे तो हो सकता है तुम्हें डैमेज पड़े, तुम मर जाओ। तो ट्राई करना कि पोर्टल से आ रहे हो, पोर्टल से जा रहे हो, ताकि तुम सेफ रह पाओ। टिप नंबर फाइव, अब यहाँ पे देखो गाइस, मुझे सामने बंदे दिखते हैं, मैं जाता हूँ फाइट लेने, लेकिन बंदे ना दो निकलते हैं, और मेरी जो एक गन है वो रिलोड नहीं थी, M4 का एमो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, तो मुझे यहाँ पे पीछे भागना था। अब यहाँ पे देखो टेलीपोर्टेशन डूड ने मुझे फिनिश होने से बचा लिया। एंड अगर तुम जो है लो सेंसिपी खेलते हो, नॉन जायरो खेलते हो, तो तुम और अच्छे टेलीपोर्टेशन डूड्स बना पाओगे, जिससे तुम अचानक से अगर फंस जाते हो कहीं पे, तुम पे अचानक से फायर आता है, तो तुम यूज करके निकल सकते हो फटाफट से सेफ जगह पे। ये सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है, देखो मुझसे पहली बार में कभी नहीं बनता है क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी हाई है, लेकिन मैं जैसे तैसे करके बना लेता हूँ, एंड सक्सेसफुली मैं फॉल बैक कर पाता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस डोर की मदद से। टिप नंबर सिक्स, गाइस अगर तुम फॉलो करते हो थोड़ा सा भी कॉम्पिटिटिव, तो आजकल तुम्हें पता होगा घास के बंदों को कैसे ढूंढा जाता है। बेसिकली उन्हें ढूंढा नहीं जाता है, उनके ऊपर चला दी जाती है गाड़ी, इसे बोलते हैं रनओवर। तो ये तुम कर सकते हो अगर तुम्हें लास्ट जोन में कभी बंदे नहीं मिल रहे हैं, या फिर तुम ढूंढ रहे हो बंदों को, तो ऐसे में तुम ये चीज ट्राई कर सकते हो। एंड इवन कॉम्पिटिटिव में सबसे ज्यादा यूज हो रही है चीज। लेकिन गाइस इसको करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारी जो अपोजिट टीम है उसके बंदे तुमसे कम होने चाहिए। लाइक ऐसा नहीं तुम अकेले बंदे बचे और बग्गी से तुम बंदे ढूंढ रहे हो तो तुम्हें कोई भी मार देगा। तो अगर तुम्हारे चार बंदे बचे हुए, तीन बंदे बचे हुए हैं, तुम्हारी जो अपोजिट टीम है उनके एक दो बंदे बचे, तो तुम ये चीज ट्राई करके बंदों के छक्के छुड़ा सकते हो। टिप नंबर सेवन, गाइस पहले क्या होता था ना कि रश करने से पहले हम नीड मॉली किया करते थे, लेकिन आजकल ये जो डांसिंग ग्रेनेड है भाई, ये मैं पहले इतना यूज नहीं करता था क्योंकि मेरे टीममेट्स ने भाई मुझे इरिटेट कर दिया था मेरे ऊपर कर करके। लेकिन जब मैंने इसे यूज किया रश करते टाइम,
तो भाई एनिमीज की तो भाई बैंड बज जाती है। तो अगर किसी घर में कैंप कर रहे हैं, देखो ओपन में तो वो लोग निकल सकते हैं बाहर, लेकिन कोई अगर स्क्वाड हाउस जैसा घर है या फिर इतनी सी जगह जहाँ पे ये पूरा ग्रेनेड कवर कर लेगा, तो सोचो गाइस वहाँ पे एनिमीज पे क्या बीतने वाली है। गाइस इसको यूज करना सबको नहीं आता है, तुम्हें पता है क्या करना है, जब भी तुम किसी स्क्वाड हाउस में कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें ग्रेनेड करना है, तो ऑब्वियसली बात है अगर एनिमी डांस करेगा तो तुम भी करने लगोगे, क्योंकि स्क्वाड हाउस में इतनी जगह होती नहीं है। तो अगर छोटे घर में कर रहे हो ना, तो वहाँ पे पहले ये ग्रेनेड करो बाहर से एंड देन उसी पे एक मॉली फेंक दो, तो ग्रेनेड से ये लोग डांस करने लगेंगे और मॉली अगर फेंक दोगे तो उन्हें डैमेज होने लगेगा एंड तुम्हें अंदर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एंड पूरी स्क्वाड की तुम बैंड बजा पाओगे। टिप नंबर 8। तो गाइस जैसा कि तुम सभी को पता है कि हमारी टीम में एक बंदा ऐसा होता है जो हमेशा है ना बंदे मारने के लिए आगे घुस जाता है, तो ऐसा बंदा अगर कभी घुस रहा है तो तुम्हें बस उसके ऊपर एडीएस रखना है, उसका ध्यान रखना है। तो देखो तुम कवर फायर तो दे ही रहे हो, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें फ्री के किल्स भी मिलने वाले हैं, जैसा कि मुझे यहाँ पे मिले। तो एनिमीज जो थे ना मेरे टीममेट को मारने में बिजी थे, यहाँ पे मैंने दोनों की बैंड बजा दी और टीममेट नॉक भी हो गया, तो मैंने उसे कवर भी दे दिया। तो ऐसे किल चुरा सकते हो तुम मस्त। मैं तो भाई यही चीज फॉलो करता हूँ, बाकी कमेंट्स में बताना तुम भी ये चीज करते हो या फिर नहीं करते हो। टिप नंबर 9। देखो गाइस मुझे पता है कि टेलीपोर्टेशन डोर पे है ना, मैंने काफी चीजें तुम्हें पहले बता दी, लेकिन ये लास्ट चीज सुन लो जो कि तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। तो अगर तुम भी कभी ओपन में फाइट ले रहे हो जैसा मैं यहाँ पे फाइट ले रहा था, और अगर तुम्हारा टीममेट कवर में हो तो तुम उसका फायदा उठा सकते हो। अब यहाँ पे मैं नॉक होता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट जो है ना पीछे जाके मस्त टेलीपोर्टेशन डोर बनाता है एंड यहाँ से देख सकते हो वो जाता है कवर में एंड फटाफट से मैं भी ओपन से जो है कवर में आ जाता हूँ। तो ये काफी ज्यादा मुझे हेल्पफुल लगा, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बताना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें 10 टिप की, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम पूरी वीडियो देखो, क्योंकि यहाँ पे मेरा गेम प्ले तुम्हें दिखने वाला है जहाँ पे मैंने ये सेम टिप्स एंड ट्रिक्स जो तुम्हें बताई इनको यूज किया है एंड कैसे बंदों के मैंने छक्के छुड़ाए, तो तुम्हें बेटर आइडिया मिल पाएगा एंड तुम्हारा गेम सेंस और भी ज्यादा इंप्रूव हो पाएगा अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देख के। तो एंजॉय करो गेम प्ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग। एंड गाइस अगर कोई भी तुम्हें टिप पसंद आई है तो यार प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, आई होप इस वीडियो पे जो है 6-7 हज़ार लाइक हो जाएंगे एंड बाकी सब्सक्राइब कर देना चैनल को और ऐसी वीडियोस के लिए। ओ माय गॉड, तुम को ओ क्या कह रहा हूं, अच्छा दे दे पोर्टल लगा, पोर्ट नहीं आते फिर ऊपर नहीं करता। क्या भाया रुकी जो ये एक देर हो गया, ये देख सोलो छोटे मैंने ऊपर छत पे जाता है ये कौन है, घंटा मर जाओ दिख नहीं रहा। माय बॉडी बॉडी भेजा कवर दिया।